तो साथियों टीम इंडिया बहुत जोरदार खेल रही है, अब तक वर्ल्ड कप की जर्नी हुई है 2023 की 13th वर्ल्ड कप है क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर, एक से एक बेहतरीन उन्होंने मैचों को जीता है और हर टीम को इंडिया ने हराया है, जिसमें साथियों इस समय टीम इंडिया हर एरिया हर क्षेत्र के अंदर पूरा बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, चाहे वो बैटिंग हो बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, हर एक में बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। और जब नंबर आता है विकेट लेने का तो बॉलर साथ देते हैं, जब रन बनाने का नंबर आता है तो जितने भी हमारे बैटर साथ देते हैं, और फील्डिंग के अंदर भी कोई कमी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संजीव वाशनी। तो साथियों आज है 18 नवंबर 2023 और कल है 19 नवंबर 2023 और वो है सुपर संडे और गोल्डन डे इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। कल है अपना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट कप का फाइनल और बहुत जोरदार ये मैच होने वाला है, बहुत शानदार ये मैच होने वाला है। और इंडिया अभी तक इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर जितने भी 10 मैच हुए हैं परफेक्ट स्कोर इसने किया है, 10वां मैच इंडिया अभी तक जीती है। तो साथियों ये वर्ल्ड कप हमारा है, ये हम ही जीतेंगे इसको और भारत इसके लिए पूरी पूरी अपनी जो है ताकत लगा रहा है। साथियों हम सभी को मिलके अपना प्रार्थना करनी है भगवान से कि इतनी शक्ति दे हमारी टीम को कि ऑस्ट्रेलिया को पटखनी दे दे और ये वर्ल्ड कप अपने नाम पे कर दे, कप जो है कल शाम को हमारे पास होगा, जिससे हम कल भी एक दिवाली बनाएंगे 19 नवंबर को, बहुत शानदार 3rd दिवाली होगी मंथ ऑफ नवंबर के अंदर। तो साथियों ये जो वर्ल्ड कप क्रिकेट का है आईसीसी वर्ल्ड कप, ये है 13th नंबर, 1975 से ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था। साथियों आपको बताएं कि भारत अभी तक 4 बार फाइनल में पहुंची है और 4 बार में कल 4th फाइनल होने वाला है। अब तक के 3 फाइनल में 2 बार हम जीते हैं, पहली बार जीते 1983 के अंदर, सेकंड जीते 2011 2011 में, ये 2 मैच हम जीते हैं, और पिछली बार 2003 आज से 20 साल पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच हुआ था जिसमें इंडिया हार गई थी। लेकिन 1983 का वो वर्ल्ड कप आज भी मेरे को याद है जब कपिल देव ने ये वाला मैच जीत के वर्ल्ड कप अपने नाम पे किया था, पूरे इंडिया के अंदर एक इतना तगड़ा सेलिब्रेशन हुआ था 1983 के अंदर, मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकता हूं, हम उस समय बच्चे थे और अभी सब साथियों ने मिलके पूरे मोहल्ले में एक जलूस निकाला था उस वर्ल्ड कप जब हमारे पास में आया था। और उसके बाद इंडिया के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और क्रिकेट के अंदर काफी ऐसे नाम लिखे गए, काफी ऐसी हिस्ट्री बनी जिसका कि कोई जवाब नहीं। लेकिन साथियों क्या आपको पता है कि जब 93 के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था उस समय वेस्ट इंडीज को पटकनी दी थी, इंडिया ने बहुत कम स्कोर किया था, 183 रन बनाए थे, उसके बाद भी वेस्ट इंडीज को लपेट दिया था पूरी तरीके से और जो पूरी टीम थी अपनी इंडिया की उन्होंने वेस्ट इंडीज को लपेट कर यह वर्ल्ड कप के नाम पर किया था। लेकिन क्या आपको पता होना चाहिए कि उस समय वर्ल्ड कप के अंदर 60 ओवर का मैच हुआ करता था जो कि आज 50 ओवर का मैच होता है वनडे के अंदर। और पता साथियों कब से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ 1987 से, जब अगला वर्ल्ड कप जो 4th वर्ल्ड कप था इंडिया में कराया गया, उसके बाद से जितने भी वनडे के अंदर मैच होते हैं वो 50 ओवर से हुआ करते हैं। तो साथियों अगली बार जब हम फाइनल में पहुंचे वो था 2003 का, सौरभ गांगुली उस समय कैप्टन हुआ करते थे और मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ में, उस दिन भी संडे था और मेरे को याद है कि उस समय हम फरीदाबाद में थे और मैं भी उसमें मैच के अंदर काफी इन्वॉल्व हुआ था, लेकिन वो मैच हम हार गए थे, पूरी जो सड़कें थी वो सुनसान हो गई, गम का माहौल सा हो गया था, इंडिया की टीम वो स्कोर नहीं कर पाई थी और वो फाइनल मैच को हार चुकी थी। लेकिन अगला फाइनल हम जीते 2011 के अंदर जब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे और उन्होंने श्रीलंका को बॉम्बे में हराया था, बॉम्बे के अंदर फाइनल मैच हुआ था और इंडिया ने इसको होस्ट किया था 2011 के अंदर। और तो साथियों अब ये है मौका 2023 के अंदर जब ये वर्ल्ड कप हमारे पास में आने वाला है और रोहित शर्मा की टीम बहुत अच्छा खेल रही है, अभी तक के 10 मैच के 10वां मैच अभी इंडिया ने जीते हैं और हमारी पूरा मेरे को पूरी विश्वास है, पूरी मतलब भगवान से प्रार्थना है कि ये वर्ल्ड कप का कप हमारे पास ही आने वाला है साथियों और जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा, जितना भी आशीर्वाद है जो भी प्रार्थना है इस टीम के साथ में है और ये क्रिकेट वर्ल्ड कप हमारा है, हमारे पास ही आएगा साथियों, सब मिलके आज प्रार्थना करें, पूरा भारत एक बार जोर शोर से बोलेगा कि भारत कि टीम इंडिया जो है इस मैच को जीतेगी तो अवश्य ये वर्ल्ड कप हमारे पास में आएगा। तो साथियों टीम इंडिया बहुत जोरदार खेल रही है, अब तक ये वर्ल्ड कप की जर्नी हुई है 2023 की 13th वर्ल्ड कप है क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर, एक से एक बेहतरीन उन्होंने मैचों को जीता है और हर टीम को इंडिया ने हराया है, जिसमें चाहे ऑस्ट्रेलिया हो साउथ अफ्रीका हो या कोई भी टीम हो पाकिस्तान हो, इतने बेहतरीन मैच थे, सब में इंडिया ने इन टीम को पटकनी दी है। और कल जो अभी 2 दिन पहले सेमीफाइनल हुआ था उसके अंदर साउथ अफ्रीका को बहुत बुरी तरीके से इन्होंने हराया था और कल हम जरूर इस चीज को जीतने वाले हैं और अवश्य जीतेंगे, और क्यों नहीं जीतेंगे, जब साथियों इस समय टीम इंडिया हर एरिया हर क्षेत्र के अंदर पूरा बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, चाहे वो बैटिंग हो
बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, हर एक में बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। और जब नंबर आता है विकेट लेने का तो बॉलर साथ देते हैं, जब रन बनाने का नंबर आता है तो जितने भी हमारे बैटर साथ देते हैं, और फील्डिंग के अंदर भी कोई कमी नहीं है। तो ये सब चीजें मजबूत हैं, तो फिर क्यों नहीं आएगा कप हमारे पास में, तो अवश्य आएगा। तो साथियों सभी मिलकर बोलेंगे और एक तरीके से प्रार्थना करेंगे कि ये कप हमारे पास में आए, तो बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। तो साथियों मिलते हैं कल आपको 19 नवंबर को 2023 में फाइनल के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।